सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, तो स्किप बिल्कुल से मत करना। बहुत ही हेल्पफुल जो मैं आपको बताने वाला, आपके सबके लिए अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि अभी बता दूं, इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मैं भूल जा रहा था, और मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि बताऊं, तो अभी इस वीडियो में बता रहा हूं, तो प्लीज गौर से सुनना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग में आते हैं, जैसे कि मम्मी लोग आते हैं, मतलब हमारे जो रिलेटिव्स है वो लोग आते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग आते हैं, इनकेस बहुत सारे लोग आते हैं हमारे मेरे व्लॉग में। तो अब क्या सीन हो रहा है कि कुछ लोग जो व्लॉग में आते हैं मेरे, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ कौन लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, तो कुछ लोग व्लॉग में आते हैं, और जब मैं व्लॉग को अपलोड कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ यूट्यूब पे, तब वो लोग कहते हैं कि व्लॉग में से मेरे को निकाल दे या फिर व्लॉग हटा दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता गाइस, ऐसा तो व्लॉग अगर एक बार अपलोड हो जाता है तो मैं बार बार निकाल नहीं सकता हूँ। तो इसलिए अगर जिसको भी व्लॉग में मेरे आते हो तो सोच समझ के आना जरा सा, मतलब कि व्लॉग ही यूट्यूब पे डालने वाला होता है, ऐसे में टाइम पास के लिए नहीं निकालता हूँ। और एडिटिंग के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, पूरे एक एक दिन दो दो दिन एडिटिंग में चले जाते हैं, इसलिए ऐसे व्लॉग हटा नहीं सकता हूँ। कितनी बार, एक दो बार शायद हो, एक दो बार के तीन चार बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ आपको कि अगर आ रहे हो तो सोच समझ के आना, क्योंकि एक बार पब्लिक हो गया व्लॉग यूट्यूब पे तो हटा नहीं सकूंगा मैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो बस यही कहने का था, चलिए व्लॉग में बनते, मतलब आगे मिलते, चलो। तो ये वाले व्लॉग में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो आपको मेरे कपड़ों से, मेरे क्लोथ से पता चल गया होगा, जैसे कि मैंने पहने, जो लोग गोवन लोग यानी कि कोली लोग और गोवन लोग जिसे कपड़े पहनते हैं, वैसे मैंने आज क्लोथ पहने, क्योंकि उसी के रिलेटेड ये व्लॉग होने वाला है। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो गेस करो, तब तक मैं रुकता हूँ। तो गाइस मजाक कर रहा हूँ, अगर आप लोग ने अभी तक पता नहीं चला इस व्लॉग में क्या होने वाला है, तो मैं ही बता देता हूँ इस वाले व्लॉग में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले, मतलब एक दो महीने पहले एक व्लॉग डाला था, अर्नाला का व्लॉग, मतलब अर्नाला का फिश मार्केट जो भी उधर रहता है वो सब मैंने दिखाया था उसपे, और उसपे बहुत ही आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे, बहुत ही अच्छा प्यार दिखा रहे, इसलिए मैंने सोचा एक और उसके बारे में व्लॉग डाल देते। और कुछ दिन पहले मैंने एक और व्लॉग डाला तो उसपे भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, एकदम वाला रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको हमारे इधर के अर्नाला के बारे में जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट है, मतलब आपके मन में बहुत ही इंटरेस्ट है उसके लिए, तो मैंने सोचा कि एक ही व्लॉग में पूरा दिखा देते हैं अर्नाला का मार्केट, फिश मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, अर्नाला का गांव, अर्नाला का बीच, कैसे आना है, कैसे जाना है, और किधर से आपको ऑटो वगैरह मिलेगा, वो सब कुछ मैं इस वाले व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वाले व्लॉग नहीं देखे तो वो वाले जाके भी जरूर से देखना, वो भी मस्त व्लॉग है, और ये भी जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते, तो पूरा टूर देने वाला हूँ हमारे अर्नाला का, मतलब पूरा तो नहीं, जो भी मेन मेन एरिया है, मतलब फिश मार्केट मैंने अभी आपको बता दिया वही। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते बिना किसी वक्त को गवाए, और अगर चैनल पे ना तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, इतने मेहनत से आपके लिए मैं व्लॉग बना, तो अभी देखो इतना मैं बोल रहा हूँ तो थक रहा हूँ मैं भी, इसलिए आपके लिए व्लॉग बनाते, तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर से कर देना। लाइक से मतलब मेरे को मोटिवेशन होता है कि और वीडियो बनाए आपके लिए, और सब्सक्राइब से भी मोटिवेशन मिलता है कि और आपके लिए वीडियो मैं बना सकता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करो यार, आपके छोटे भाई का चैनल है, छोटे भाई समझ के बड़ा भाई नहीं हूँ सॉरी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते बिना किसी वक्त को गवाए, मैंने बहुत ही वक्त गवा लिया, तो चलिए चलिए वीडियो में चलते फ्रेंड्स, फिर गोवा वाला बन गया मैं, चलो। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अर्नाला, और अर्नाला पहुंचते ही आपको सीधा इधर मिल जाएगा ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, और रिक्शा स्टैंड के बाद आपको मिल जाएगा ये फिश का मार्केट, इधर सब कुछ फिश मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्रेश फ्रेश फिश। और अगर आपको इधर आना है तो वीरा स्टेशन से आपको ऑटो पकड़ना है, ऑटो वाले को कह देना कि मेरे को अर्नाला के लिए जाने का है, अर्नाला फिश मार्केट, अर्नाला मार्केट भी बोल सकते हो, वो आपको सीधा लाके इधर छोड़ देगा, तो आप लोग जो चाहे वो इधर से फिश खरीद सकते हो। ये रहा ये इधर बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे फिश है, सिर्फ आपको आना है और इनको कहना है कि मेरे को ये फिश चाहिए, वो फिश चाहिए, निकल के दे दो, वो निकल के आपको दे देंगे बहुत ही अच्छे अच्छे फिश, और रिजनेबल प्राइस में रहते हैं, और अगर आप लोग थोड़ी बार्गेनिंग करोगे तो और भी सस्ते में मिल जाएगा। और ये मम्मी बोल रही है, देखो ये पापलेट है, मेरे को पता नहीं पापलेट है शायद, मम्मी बोल रही है तो होगा। और उसके बाद फिश मार्केट से मैं निकल गया बाहर, और ये मेन रोड पर ये रखते हैं मार्केट,
ये वाला सब्जियों वाला, इधर सब्जियाँ फ्रूट्स भी मिलते हैं, थोड़े लोग बाहर बैठे हैं। और मेन मार्केट जो रहता है सब्जियों का, कपड़ों का, वो थोड़ा सा इससे आगे, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मैं चल चल के जा रहा हूँ, आपको ये भी दिखा रहा हूँ इधर क्या है मेन रोड पे। और अभी थोड़ी देर के बाद ही मैं मेन मार्केट में पहुँचने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देखो। और ये है मेन मार्केट कपड़ों की, फ्रूट्स की, सब्जियों की, जो गले में पहनते एक्सेसरीज, जो भी गले में पहनते लड़की लोग पहनते वो भी इधर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग खरीद सकते हो इधर से। फुल मार्केट है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ इधर क्या क्या है क्या क्या नहीं। ये देखो ये सब्जी, ये कपड़े आगे पूरे देखो, कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, सब कुछ मिल जाएगा इधर। सिर्फ आना है और खरीदना है मस्त मस्त चीज़ें। और अभी देखो आगे इधर, ये फुल मार्केट है ऐसा, यू कैन सी, बहुत मस्त हमारा अरनाला का प्यारा सा मार्केट। आगे देखो अभी, बाहर आ चुके हैं। अभी मैं आगे का आपको पूरा सीन दिखाता हूँ। देखो बहुत ही इधर भीड़ रहती है, सब कुछ मिलता है आपको, कपड़ा वगैरह सब कुछ। और मेन मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकल के, थोड़ा सा आगे चल के जाने के बाद, इधर से आपको थोड़ा सा और छोटा सा मार्केट दिख जाता है कपड़ों का। इधर सिर्फ लाइन वाइज कपड़े मिल जाते हैं आपको। इधर से चर्च के पास जा रहे हैं, मैं आपको चर्च वगैरह भी दिखाता हूँ इधर का। इधर का चर्च बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा भी है। तो ये देखो ये चर्च है पूरा, कितना बड़ा है ये देखो, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और वो स्टैचू एक नंबर का लग रहा है मस्त, वो दिखा दो उसके पास से। ये देखो पूरा ट्रीज, बहुत ही इधर मस्त ट्रीज लगाए, और मम्मी को बहुत ही पसंद है ना ट्रीज, अच्छे लगते हैं ना, अच्छा लग रहा है। ये देखो ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा, वो सबसे ज्यादा अच्छा है बड़ा वाला। तो आप लोग को कमेंट करके बताओ कि चर्च कैसे लगा। तो चलो अभी चर्च के बाहर चलते हैं, आगे जाएंगे तो आपको बीच आएगा। और फ्रेंड्स ये अंकल बोल रहे हमारे ऑटो का ले लो, तो ये अंकल है हमारे, अंकल आपका नाम बोलो। भगवान गरज। तो अगर आप लोग आओगे तो अंकल से जरूर मिलना और उसके ऑटो में ही जाना। और ये अंकल भी हमारे, तो अंकल आपका नाम? नारायण दामोदर वजे। तो इसके इनके ऑटो में भी जाना, ये आपका है ना? मेरे पीछे, आपका पीछे। तो ये ऑटो का स्टैंड है इधर। फ्रूट मार्केट दिखाता हूँ इधर, ये फ्रूट मार्केट है पूरा, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग ले सकते हो। बहुत ही फ्रेश फ्रेश फ्रूट मिलते हैं, आप लोग देख ही सकते हो कितने फ्रेश फ्रूट है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और क्योंकि बहुत ही देर हो गई थी, दोपहर हो गई थी, दोपहर के एक बज रहे बज गए थे तब, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे आ जाता हूँ और बाकी का मैं नेक्स्ट दिन जाके मैंने शूट किया। और अभी नेक्स्ट दिन मैं गया था अरनाला बीच, मतलब अरनाला बीच का शूट करने के लिए, क्योंकि पूरा दिखाने का था। तो चलिए सीधा चलते अरनाला बीच और आपको भी दिखाता है। और अरनाला बीच जाने के लिए आपको अरनाला के रिक्शा स्टैंड से ही ऑटो पकड़ना है, उनको कहना है मेरे को अरनाला बीच जाने का, जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं और वो आपको छोड़ देंगे। और ये है अरनाला बीच का रोड जाने के लिए, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, चलिए चलते। तो ये देखो इधर स्टॉल भी है बहुत सारे खाने के लिए, हम लोग खाना भी खा सकते हैं इधर, लेकिन अभी हम लोग नहीं खाने वाले। क्या नीलू बराबर ना, नहीं खाने वाले ना खाना, उंडा खाने वाले, उंडा यानी कि गोला खाने वाले। तो चलो चलते। ये देखो इधर से स्टार्ट हो जाता है और उधर उस साइड बीच है, तो उधर भी चलेंगे और उधर भी आपको दिखाएंगे। अरे मम्मी इधर मच्छी ले रही है, ये देखो इधर आपको सूखी मच्छी मिल जाएगी, ये इधर ही सुखाते है पकड़ के। अभी चलो बीच के उधर चलते। फ्रेंड्स अभी इधर हम लोग भेलपुरी पारी पूरी बेचे, मतलब लेने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कितने का है। तो फ्रेंड्स इधर भेलपुरी और पानी पूरी बेच रहे, तो लेते हैं और देखते हैं खाते हैं कैसा टेस्ट रहता है, आपको भी बताऊंगा जाके, देखते हैं कैसा टेस्ट है। मस्त है फ्रेंड, मेरे दो मेरे बाकी है। और ये देखो
सो गाइस अर्नाला का बीच देख लिया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और उसके बाद हो गई था अंधेरा, इसलिए मैंने सोचा कि घर पे चला जाए, आगे का व्लॉग नेक्स्ट दिन शूट करेंगे। तो मैंने सोचा कि घर पे आ जाते क्योंकि अंधेरे में व्लॉग अच्छा नहीं आएगा और क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैं घर पे आ गया। और उसके नेक्स्ट दिन मैं गया अर्नाला के गांव में, अर्नाला का गांव एक्सप्लोर करने, आपको दिखाने कैसा क्या है अर्नाला का गांव। तो आगे बने रहते हैं वीडियो में, चलो लेट्स गो लेट्स गो। जो कोली लोग रहे थे ना, हाँ, उनका गांव से जाएंगे ना तो आप तेरे को मालूम पड़ेगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो अर्नाला का ऐसा कुछ गाँव है, इधर से भी अर्नाला बीच जा सकते हो। और जैसे पहले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा अर्नाला के बीच का ब्लॉग था, उधर से भी जा सकते हो। दो रोड है, ये गाँव वाला रोड है और ये है अर्नाला का गांव। यू कैन सी कितना मस्त है, सबके प्यारे प्यारे घर, कितने सुंदर सुंदर आप लोग देख सकते हो, मस्त मस्त घर है। और ये उनका सामान है, मतलब फिश पकड़ के लाते हैं तो इसमें ही रखते हैं वो लोग बेचने के लिए। तो आगे देखो अब सब कुछ, इधर से रोड है पूरा और बीच से रोड है और दोनों बाजू में सिर्फ घर ही घर और बीच में से रोड बना रखा है। तो चलो फ्रेंड्स अभी फाइनल है, अभी हम लोग बीच में पहुंच चुके हैं और इधर इतना विंड का नॉइज है आप लोग देख सकते हो। देख सकते हो अंकल लोग इधर कैसे मस्त तरीके से बैठे। और जब आप लोग कोली लोग के गांव से वापस आने लगोगे तब आपको ये आंटी लोग मिल जाएंगे इधर फ्लावर्स के हार बेचते हुए। बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर के हार बना के ये लोग आंटी लोग बेचते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है। अगर आपको खरीदने तो इधर से जरूर से खरीदना, बहुत ही सस्ते प्राइस में रहते हैं और आपके सामने बना के आपको देते हैं, जिसकी ये आंटी बना रही है बहुत ही मस्त तरीके से। दोस्तों अभी करते ही ब्लॉग को एंड, तो आपको ये पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अच्छा लगा बुरा लगा या फिर कैसा लगा। तो व्लॉग को एंड कर दे तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और मिलते फिर किसी ऐसी न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, 3 दिन लगे इस वीडियो को शूट करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट दिन में अर्नाला मार्केट गया, फिर मैंने आपको बीच गया, सेकेंड दिन थर्ड दिन में गया अर्नाला के गाँव, क्योंकि एक दिन पे पूरा शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि धूप भी ज्यादा ही है, बहुत ही है। ये देखो अभी भी पसीने छूट रहे मैं मेरे बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय, आज के लिए इतना ही। व्लॉग कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताना और सब्सक्राइब प्लीज ध्यान से कर देना प्लीज़।